गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत रविवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर में शुरू हुए फुटबॉल प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी मंडल AK पांडे द्वारा मुख्य अतिथि को बैच लगाकर और बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि खेल से शारीरिक और बौद्धिक दोनों का विकास होता है तथा वर्तमान समय में पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी उतना ही महत्व है। गोरखपुर की धरती ने अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश को दिया है, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। और गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गोरखपुर महोत्सव समिति के सभी सदस्यों तथा आयोजकों का आयोजन के लिए बधाई दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश हॉकी संघ उपाध्यक्ष धीरज सिंह, हरीश, उप सभापति अजय राय सहित खेल जगत से जुड़े खेल अधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी मंडल AK पांडे और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, अच्छा पहले जो मैच देखने आए हैं, जो खिलाड़ी आए हैं, इस गुनगुने धूप में आप मैच का आनंद ले रहे हैं, सभी का खेल महोत्सव की तरफ से, गोरखपुर महोत्सव समिति की तरफ से, खेल विभाग की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। और यंग बॉयज क्लब चरगावा के मध्य करेंगे AK पांडे साहब से उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के पति नगर निगम यहाँ विद्यमान है। इस महोत्सव में और इस स्टेडियम में खेल का आयोजन किया गया है मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में। हमें उम्मीद है कि खेल महोत्सव जिला के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। मैं शहरवासियों की तरफ से मंचासीन सभी अतिथियों का और विशेषकर खिलाड़ियों को नौ वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। आप लोगों पास एक दिन मन से खेलिए आपको। चलो चलो यंग बॉयज क्लब चरगावा की जो नीले रंग की जर्सी में मैदान में उपस्थित है, क्या नाम? निराज मंडल। कहाँ से? तो सबसे कम उम्र तो लग रहा है भाई। कहाँ घर पड़ेगा? किस जगह? इस मृत्यु में कैद होने जा रही है। सभी का हेलो AK पांडे, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, अंतर्गत बालकों का फुटबॉल, बालकों का बल्कि सीनियर लेवल में फुटबॉल हो रहा है, सीनियर लेवल का वॉलीबॉल महिला और पुरुष दोनों वर्गों में, कुश्ती बालक बालिकाओं का, बैडमिंटन बालक बालिकाओं का, टेबल टेनिस बालक बालिकाओं का, खो खो बालकों का, और ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं। कितनी टीमें इसमें प्रतिभाग करेंगी और कब तक चलेगा ये? टीमें अलग अलग संख्या में हैं। फुटबॉल में हमारे कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं। अभी आपके सामने फुटबॉल मैच आयोजन हो रहा है, इसमें कुल 12 टीमों ने भाग लिया है। कल से ये 9 तारीख से प्रारंभ हुआ है, 12 को इसका 11 को समापन हो जाएगा। उसके बाद अभी टेबल टेनिस की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें लगभग 70 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कल बालिकाओं की टेबल टेनिस होगी,
इसमें भी लगभग 70 के आसपास बालिकाओं ने एंट्री अपनी दी है। इसी प्रकार से कबड्डी खो खो इन खेलों में अधिक अधिक संख्या में टीमों ने प्रदर्शित अपनी की है और कुल मिला के लगभग 1000 खिलाड़ी सभी खेलों का मिला के लगभग इसमें भाग ले रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में रीजनल स्टेडियम में AK पांडे जी के नेतृत्व में ये खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। उसी के तहत यहाँ पर फुटबॉल टीम का आयोजन किया गया है। यहाँ बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में जुआ खिलाड़ी आए हुए हैं और प्रेम भावना से यहाँ पर खेल का आयोजन है और हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए उन्होंने गोरखपुर महोत्सव में प्रायोरिटी के आधार पर खेल का भी आयोजन किया है। इसमें ज़िले के ही हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि इस आयोजन से यहाँ के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और आगे जाकर ये हमारे प्रांतीय और नेशनल टीम में शिरकत करेंगे। खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा है और हमारे पांडे जी के नेतृत्व में हमें उम्मीद है, हमारे हॉकी संघ के उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हरीश जी भी यहाँ है, हमारे कार्यकारिणी के हमारे उपसभापति अजय राय जी और हमारे पार्षद जुगनू जी भी हैं यहाँ पर। ये सभी लोग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं खिलाड़ी संघ के सभी पदाधिकारियों को और आयोजन समिति को इस कार्य में लगे हुए सभी कर्मचारियों को मैं गोरखपुर वासियों से अपील करता हूं कि इन्हें प्रोत्साहित करें और इसमें भाग लें और इस महोत्सव को गोरखपुर महोत्सव के रूप में आगे बढ़ाएं। ये महोत्सव मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि भारत के खिलाड़ी दुनिया में अपना नाम रोशन करें, इसलिए गांव-गांव तक खेलों का आयोजन हो रहा है और हमारे कोच नियुक्त किए जा रहे हैं, खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। तो गोरखपुर महोत्सव खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में मिल का पत्थर साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं गोरखपुर वासियों की तरफ से। जय हिंद।